बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 4, लेक्चर 8 का पार्ट 1, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के ग्रुप्स जो है अब वन बाय वन हम करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसकी दो तीन वीडियोस शायद जो हैं वो बन जाएं। ठीक है भाई, ये रही आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक, सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये रहा इसका ग्रुप्स वाला टॉपिक, पेज नंबर 66। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और इस बुक को भी साथ रखना है लाजमी। और क्या करना है, मुस्कुराते रहना। ठीक है भाई, आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बोलते हैं मुस्कुराते रहें मुस्कुराते रहें, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एन्जॉय दिस। मैं चाहता हूँ आप इसको एन्जॉय करें, इसको अजाब ना बनाए अपने लिए, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, एन्जॉय इट। ठीक है भाई, तो ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, वो तो पता ही है सर, डेफिनेशन क्या है, पक चुके हैं इसकी डेफिनेशन सुन के। तो ये तो हमारे पास जो है वो क्या है, ये वर्टिकल लाइंस जिनको कॉलम्स भी कहा जाता है, किसके, ऑफ पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल, अब याद रहे मेरा पेरियोडिक टेबल से मतलब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है। ठीक है भाई, उसकी वर्टिकल लाइंस या कॉलम्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, कितने हैं ऐसे वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। ना 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 सर, झूठ नहीं बोलते, 8 नहीं है। कहाँ है 8, ये हमारे पास बुक खुली हुई है और ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल भी है, इसमें कहाँ है 8। इसमें तो अगर कॉलम की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 कॉलम है। आप क्या कह रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं 8 कॉलम है। कॉलम्स तो वाकई हमारे पास इसके अंदर 18 है। ठीक है, कॉलम्स वाकई 18 हैं, लेकिन ग्रुप्स जो है ना वो 8 है। ठीक है भाई, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इन 8 ग्रुप जो हैं इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कैसे, ए और दूसरे को हम कहते हैं बी। ठीक है भाई, किस तरह से कि 8 जो हैं वो ए वाले हैं और 8 जो हैं वो बी वाले हैं। कैसे 8 ए वाले हैं, मैं बताता हूँ। ये 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ठीक है भाई, कितने ग्रुप हो गए ये ए वाले, ये 8 हो गए। बी वाले भी हमारे पास 8 ही हैं, किस तरह से, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। ठीक है भाई, तो 8 ए वाले हो गए और 8 बी वाले हो गए। सर अब भी आप हमारे साथ गेम कर रहे हैं, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम्स तो 18 हैं। आपने कहा कि 8 हैं, 8 ए वाले हैं और 8 ही बी वाले हैं, तो 8 + 8 ये तो हो गए 16। कॉलम्स तो 18 हैं, अब क्या करें, थोड़ा सा गौर से देखें भाई इसी पेरियोडिक टेबल में। ये 8B जो है, 8B नज़र आ रहा है, ये 8B तीन कॉलम्स को कवर कर रहा है। 8B क्या कर रहा है, तीन कॉलम्स को कवर कर रहा है, ये 8B वाला इस तरह से, ये 8B, यानी कि ये तीन कॉलम्स मिलके किसके क्या बना रहे हैं, 8B को बना रहे हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो कितने ग्रुप्स हो गए, हमारे पास जो है वो 16 ग्रुप्स हो गए। ठीक है,
आठ कौन से हो गए ए वाले और आठ कौन से हो गए बी वाले, ठीक है। अब ये मिटा दें इसको। अब क्या इनके नाम भी हैं, क्या हम इनको एट ए ए वाले कहेंगे या बी वाले कहेंगे, क्या इनके कोई और नाम भी है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो ए वाले हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो बी एक और नाम है इनका, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ये भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ए वाला भी इनको कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बी वालों को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज। देखिए भाई, कोई भी नाम रखते हैं तो उसके पीछे वजह होती है ना। इन एलिमेंट्स को आखिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब तो चेंज होता है, हो क्या रहा है आखिर? और इनको जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जा रहा है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जा रहा है, वजह क्या है? आप थोड़ा सा गौर करें, पेरियोडिक टेबल के अंदर शुरू के जो दो हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, शुरू के जो हमारे पास दो हैं जैसे कि वन ए और वन टू ए, ठीक है, ये है। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद नीचे देखें, ये बी 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 आ रहा है। ये सारे बी वाले जो बीच में हैं इसकी, ये ट्रांजिशन कहलाते हैं। और दूसरी साइड पे, अब जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ बना दूँ, दूसरी साइड पे फिर क्या है? थ्री ए, फिर क्या है? फोर ए, फिर क्या है? फाइव ए, सिक्स ए, सेवन ए, एट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी वाले बेचारे बीच में फंसे हुए हैं। इनकी एक साइड पर भी ए वाले हैं, दूसरी साइड पर भी ए वाले हैं, ये बीच में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास हैं ये मेटल्स हैं, ये क्या है? ये मेटल्स हैं। और इनमें अगर हम जाएं ए वालों में, लास्ट में हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं एंड में, ठीक है। और ये जो हैं ये मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, समझ में आ रही है बात? इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटीज हमें जो है वो धीरे धीरे नजर आती हैं। यानी कि ये एक ट्रांजिशन फेज से गुजरने वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें बिलतरतीब धीरे धीरे चेंज आ रहा है। इनके अंदर मेटल्स की भी क्वालिटीज मिलेंगी, नॉन मेटल्स की भी क्वालिटीज मिलेंगी, एक तो ये वजह हो गई, ठीक है भाई। दूसरी वजह क्या हो गई, ये मिटा दूं, समझ में आ गया? वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। अब जिन्होंने बेसिक्स की वीडियोस नहीं देखी होंगी वो परेशान होंगे वैलेंसी। नंबर का क्या मतलब है वर्ड का? नंबर का मतलब वन टू थ्री नहीं है, नंबर का मतलब है तादाद, क्वांटिटी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल किसको कहा जाता है? आसान लफ्जों में आप समझ लीजिए, लास्ट शेल, लास्ट शेल ऑफ एन एटम, इसको कहा जाता है। क्लोरीन को देखें जैसे, इसके लास्ट शेल में ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी आप 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको एडवांस चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है आसान लफ्जों में। इसकी तफसील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से दोबारा कहूँगा, बेसिक्स की वीडियो में पड़ी हुई है, एक वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वन। समझ में आ गई बात? अब इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी फिक्स्ड वैलेंसी है। अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा,
पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाएगा, पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, किन में ऐसा नहीं हो रहा? ये ए वाले जो हैं, ये ए वाले हमारे पास जो हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी फिक्स्ड है। किसी की वैलेंसी वन है तो वन है, टू है तो टू है, थ्री है तो थ्री है, लेकिन जो बी वाले हैं इनकी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं है, चेंज होती रहती है। समझ आ गई बात? कभी इनकी वैलेंसी टू है तो कभी थ्री है, एक से ज़्यादा वैलेंसी वाले हैं ये, इस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। अब ये बात हो गई। अब मेटल और नॉन मेटल क्या है सर, ये भी साथ साथ बता ही दें। ये तो समझ में आ गया, वैलेंस शेल वैलेंसी का भी पता चल गया, इसको मिटा देता हूँ, ये समझना ज़रूरी था, मिटा दूँ इसको, क्योंकि ये टर्म्स आगे अभी तफसीलात में आएंगी। ये पहला तो जो हमारे पास जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन वाला है, ठीक है। और क्या बात है इसके अंदर, एक और वर्ड आएगा इसके अंदर, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड आएगा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या लास्ट शेल, लास्ट शेल के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स की क्या तरतीब है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरह से वहाँ मौजूद हैं, इसको शॉर्टकट में दूसरा एक नाम दिया जाता है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बात समझ में आ गई। मेटल और नॉन मेटल भी बता दूं क्या है, नोट करते रहा करें, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ा बनाएंगी, ठीक है। मेटल क्या है, थिंग्स, चीज़ें हैं भाई, चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें। नॉन मेटल्स क्या हैं, ये भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई। ये चीज़ों के साथ साथ इनमें एक और बात भी है कि ये एलिमेंट भी हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें मिक्सचर भी हैं, कुछ एलिमेंटल्स ऐसे हैं जो मिक्सचर भी कहलाते हैं, बराबर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं सर, तो कोई ख़ास बात। मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जो इसमें प्रॉपर्टी है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, गुजर जाने देना, कंडक्ट का मतलब होता है गुजर जाने देना। किसको गुजर जाने देना भाई, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी। ये देखें आप, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो प्लास्टिक है, नहीं सर इसमें से नहीं पास होगी तो ये प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल। आयरन का पीस ले लें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, बिल्कुल होगी सर, तो वो क्या हुआ, वो मेटल हुआ। आसान सी पहचान फिलहाल, इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ और भी हैं वर्बली अगर आपको बताऊँ तो, मेटल्स अगर उनको फ्रेशली कट करें आप, बीच में से काटें तो वो शाइन देते हैं, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, चमक उनमें निकलती है, ठीक है। इसके अलावा मैलिएबल होते हैं, उनकी शीट्स बना सकते हैं आप मेटल्स की, ठीक है, और डक्टाइल होते हैं, उनकी उनकी नालियां बना सकते हैं, ट्यूब्स बना सकते हैं उनकी। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ मेटल्स, जो चार चीज़ें जिन चीज़ों में नज़र आती हैं उनको मेटल्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है और लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर ये चारों चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ना तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ना ही उनको आप कट करें तो अंदर से वो लस्ट्रस होंगे, चमकदार होंगे, ठीक है, ना ही उन नॉन मेटल्स की आप शीट्स बना सकते हैं और ना ही उनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आज हमारा ग्रुप्स का जो है वो इंट्रोडक्शन निमट गया, ये पार्ट वन हो चुका, लेक्चर एट का पार्ट वन इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी तफसीलात जो हैं वो फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।